स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन सेकंड में 6 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था और होम टास्क में हमने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको करने को दिए थे, आज हम 7th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। चने, जोर गरम, मसाला, मिले, चटपटे किए चने, चूरन, चूरन, निरा, सारा, केवल, कमाल, कुशलता, चमत्कार। बुरकवाते या छिड़कवाते, चना, पापड़ी, पिचकाया गया चना, रफ्तार, गति, चाल। अब इसको हम रीड करते हैं। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूरण। हाँ, चने, जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटती हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पे पहुंच जाए। एक वक्त था कि जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। इसका प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम और लेसन का नाम, उसके बाद रचिता का नाम, इसके बाद में ये इस जो गद्यांश के माध्यम से हमें ये लेखिका ये बता रही है कि वह किस प्रकार चना जोर गरम व अनार के दाने को याद करते हुए पुड़िया का आकार व चना पापड़ी के स्वाद को कैसे याद कर रही है। व्याख्या देखिए कि लेखिका की स्मृति में चना जोर गरम व अनार के दाने के चूरण को की अनुभूति हो रही है कि लेखिका किस प्रकार चना जोर गरम व अनार के दाने का जो चूरण है वह किस प्रकार याद कर रही है। आगे देखिए, चना जोर गरम की वैसी ही पुड़िया जैसी उसके बचपन में बनती थी आज भी दिखाई दे जाती है कि जिस प्रकार उनके बचपन में चना जोर गरम की पुड़िया होती थी आज भी वह दिखाई दे जाती है। ये पुड़िया पुराने कागज को हाथ से तिरछा लपेटते हुए शंकु के आकार में बनाई जाती है कि जिस प्रकार ये पुड़िया बनाई जाती है वो पुराने कागज को हाथ से तिरछा लपेटते हुए जो शंकु के आकार में बनाई जाती है, शंकु यानी शंख के आकार में बनाई जाती है और इसमें ऊपर का हिस्सा इतना चौड़ा होता है कि चने हथेली पर आसानी से आ जाते हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है उसका चौड़ा होता है जिससे कि चने हथेली पर आ जाते हैं आसानी से। इस चना जोर से गरम से जुड़ा एक फिल्म गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, इस चना जोर गरम से जुड़ा एक फिल्म गाना है जो है चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। स्कूल के प्रत्येक बच्चों की जुबान पर था कि स्कूल के हर प्रत्येक बच्चे की मतलब उनकी बोली पर था। बच्चे चना जोर गरम अपने स्वाद के अनुसार लेते थे कि बच्चे चना जोर गरम अपने स्वाद के हिसाब से लेते थे। कुछ बच्चे तेज मसाला डलवाते थे कि कुछ बच्चे उस चने के ऊपर तेज मसाला डलवाते थे। चना जोर गरम की पुड़िया में से एक एक चना पापड़ी लेकर खाने में इतना मज़ा आता था कि जो चना जोर गरम की पुड़िया में से एक एक चना की पापड़ी उठाने में और खाने में उनको इतना मज़ा आता था, मतलब आनंद आता था। बच्चों की चाल में खास लय और ताल आ जाती थी, उसको खाते खाते बच्चे की लय आवाज़ और चाल में ताल में बदलाव आ जाता था और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती थी कि पूरा गिरजा मैदान घूम लेते थे जब तक वह पुड़िया चलती थी।
गिरजा मैदान के ख़त्म होते ही वह पुड़िया भी समाप्त हो जाती थी, कि जैसे गिरजा मैदान ख़त्म हो जाता था वैसे ही पुड़िया भी समाप्त हो जाती थी। आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप। लेखिका ने अपने बचपन की कौन सी चीज़ आज भी वैसी ही बताई है? लेखिका ने चना जोर गरम की पुड़िया की बनावट तथा चने का स्वाद आज भी अपने बचपन जैसा बताया है। सेकंड क्वेश्चन है, चने जोर गरम की पुड़िया कैसे बनाई जाती है? तो चने जोर गरम की पुड़िया पुराने कागज को गोलाई में लपेटकर बनाई जाती है। यह नीचे से एकदम पतली और ऊपर से चौड़ी होती थी। यह हाथ की कुशलता का नमूना होती थी थर्ड क्वेश्चन है, उन दिनों बच्चों को कौन सा गाना आता था? उन दिनों एक ही फिल्म गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम हर बच्चे को आता था। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक चने जोर गरम। इस प्रकार हमने आपका आज 7th पैराग्राफ भी कंप्लीट करा दिया। आज का आपका होम टास्क है इसके शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।